अभी तो हम इंजीनियर पढ़ाई किए, 28 साल हो गया मुझे नौकरी खोजते खोजते। आपको डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा, मुसलमान कभी किसी से डरता है? कौन कह रहा है ये मोदी के टक्कर में नहीं है? पिछवाड़ा फटा हुआ है, पिछवाड़ा के अंदर टाका लगा हुआ है। मोदी 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 काला नहीं है, घर के अंदर राशन पानी नहीं है। मोदी मोदी कुछ नहीं हो रहा है, सारी सरकार तो बीजेपी की है, सारा हर जगह पे तो चल रहा है बीजेपी का। ये हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ। हिंदू मुस्लिम सब भाई 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 भाई, भाई है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, ये पाकिस्तान अगर ये करेंगे नहीं ये जीतेंगे नहीं। वही तो मेन चीज, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं रामलीला मैदान। केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं? कि युवाओं को नौकरी दिया जाए, केजरीवाल नौकरी छोड़ दिया, सीएम तो बन गए, नौकरी से कितना मिलता है? 50,000 मिलता था, 5 करोड़ कमा रहे हैं। आपको राम मंदिर नहीं चाहिए? हमें राम मंदिर चाहिए, धर्म नहीं, हमें धर्म चाहिए। जी कोरोना काल में राम मंदिर क्यों बंद कर दिए थे? केजरीवाल जी काम अच्छा ही तो कर रहा है, आके तो खोलो अपनी। भाई हमें दिखाई नहीं ना, ये भाई की नॉलेज नहीं है। अभी डीजे बजा भैया, अभी तेरी उम्र डीजे बजाने के। नमस्कार, मैं शिखा सिंह अब भी दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। आप सभी का जनहित आवाज में स्वागत है। देखिए केंद्र में बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है मोदी जोगी की। दिल्ली के हालात देखा जाए तो पूरी नशे में लुप्त है, हर पार्क में हर गली में जो है ठेके खुल गए हैं। यहाँ पर केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, और वहाँ पर मोदी जी बोल रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, किसकी बात माना जाए? लेकिन यहाँ पर हालात दिल्ली के ऐसी है, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, दिल्ली पूरे नशे में लुप्त है। केजरीवाल जी सिसोदिया जी सब काम कर रहे हैं, केंद्र अपना मांग कर रही है, विपक्ष अपना मांग कर रही है, किसकी बात माना जाए? यहाँ पर हालात ऐसी है कि करो या मरो। लोकसभा चुनाव सामने है, यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव सामने है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए पूरा भीड़ यह हुआ था। यहाँ पर लाखों लोग आए, यहाँ पर अपनी अपनी मांग की, किसान अपना मांग कर रहा है, नेता अपना मांग कर रहा है, केंद्र से फंड लागू हो रहा है, विपक्ष अपनी अलग मांग कर रही है, किसकी माना जाए लोकसभा चुनाव पर? बताइए ना कौन सही है, केजरीवाल के समर्थन में यहाँ आए हैं? देखिए हम किसी के समर्थन में नहीं, अपने मांग करने के लिए आए हैं, हम किसान। आपका क्या मांग है? हमारा मांग है कि युवाओं को नौकरी दिया जाए, दिल्ली से जो है नशे की। केजरीवाल सरकार भी तो यही बोल रही है। केजरीवाल सरकार बोल रही है तो यहाँ पर बड़े बड़े घोटाला किसके नाम है? केजरीवाल के नाम है या मोदी के नाम है, किसका बात माने? मीडिया झूठ बोल रही है या आप हम झूठ बोल रहे हैं या जनता झूठ बोल रही है? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ पर जो है दिल्ली पूरे नशे में दब्द है। शराब घोटाला हुआ, बड़े बड़े फंड लागू हुए, बीजेपी ने भेजा है, कांग्रेस ने भेजा है। देखिए बीजेपी या कांग्रेस के कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिकल लाइन से हम मतलब नहीं रखते हैं, हम अपनी मांग से रखते हैं। कि अभी तो हम इंजीनियर पढ़ाई किए, 28 साल हो गया मुझे नौकरी खोजते खोजते, अभी तो हम दिल्ली में बेरोजगार जो है 20 साल हो गया मुझे दिल्ली में आए हुए, मैट्रिक पास करके काम नहीं करते हैं। नेतागिरी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? काम नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा, क्या किया जाए? काम नहीं मिल रहा है वो नेतागिरी करने लगता है। वही बात है ना, मोदी जोगी बनेंगे काम नहीं मिलेगा, नेतागिरी करेंगे मोदी जोगी बनेंगे, केजरीवाल बनेंगे बड़े बड़े फंड घोटाला मारेंगे, किसकी बात मानेंगे हम जब नौकरी नहीं मिलेगा? केजरीवाल तो पढ़े लिखे, केजरीवाल का रोज दरवाजा खटखटाते हैं। केजरीवाल ने तो अपना नौकरी छोड़ दिया, केजरीवाल नौकरी छोड़ दिया, सीएम तो बन गए, नौकरी से कितना मिलता है? 50,000 मिलता था, 5 करोड़ कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, अब किसकी बात माना जाए? केजरीवाल की बात माने या आपकी बात माने? आप मीडिया लाइन से हैं, हम पॉलिटिकल लाइन से हैं। लेकिन नौकरी नहीं मिला था पॉलिटिकल लाइन में, और क्या, मुझे नौकरी नहीं मिला, मैं पॉलिटिकल लाइन पकड़ लिया, क्या करें? अब हम ही नेतागिरी करेंगे। मोदी भी गुजरात में चाय बेचते थे, केजरीवाल भी इनकम टैक्स ऑफिसर थे, हम भी एक दिन नेता बनेंगे और अपने देश का नाम करेंगे, बस यही मेरा कहना था। धन्यवाद। ये नेता बनेंगे और हम और भी लोगों से बात करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को क्या पढ़ा रहे हो? बेटी की तो इज्जत लुटवा रहा है, बेटी मर रही है, क्या बचा रहा है उसको? कुछ नहीं बचा रहा है। वो तो केंद्र के भी अंदर में हो रहा है, राज्य के भी अंदर में। कुछ नहीं हो रहा है, सारी सरकार तो बीजेपी की है, सारा हर जगह पे तो चल रहा है बीजेपी का। ये बीजेपी करा रही है? तो बीजेपी करा रही है, और कौन करा रही है? ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं, बीजेपी ही करा रही है। केजरीवाल अच्छे लगते हैं? बहुत, यू ग्रेट चीफ मिनिस्टर। हाँ बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे स्कूल बना दिए, अच्छे स्कूल बना, अच्छे हॉस्पिटल बना दिए, लेडीज के लिए बस फ्री कर दिए, अब इससे अच्छा क्या हो गया? कि कभी हुआ 70 साल में? कभी हुआ आपने सुना 70 साल में? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कौन? कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस किया हो तो आज सरकार बनाती हो, सरकार में आज 0 सीट है दिल्ली के अंदर, आपको पता है? आपको पता कि नहीं 0 सीट है दिल्ली के अंदर? काम करेगा वो दिल्ली जीतेगा, केजरीवाल जी काम कर रहे हैं वो दिल्ली जीतेगा। काम कहाँ कर पा रहे हैं, एलजी का शासन। वही तो मेन चीज, इसीलिए तो हम लोग यहाँ आए हैं रामलीला मैदान में, किस लिए रामलीला मैदान में आए हैं? काम नहीं करने दे रहे हैं मोदी जी, एलजी साहब जो आए हुए हैं काम नहीं करने दे रहे हैं, इसीलिए हम लोग रामलीला मैदान में आए हैं। काम देखो,
केजरीवाल जी इतना अच्छे। अरे सर आप घोटाला हो रहा है, पूरी दिल्ली नशे में धुत है। हाँ ये जब इलेक्शन टाइम में शराब बटाते हैं वो, जब इलेक्शन टाइम में शराब बटाते हैं चिकन बटवाते हैं तब क्यों बीजेपी वाले कांग्रेस वाले तब वो सही है, तब वो सही है इलेक्शन टाइम में। दोनों तो एक ही जैसा काम कर रहे हैं। सॉरी बीजेपी और केजरीवाल दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं। बीजेपी देखो बीजेपी काम करने नहीं दे रही है आम आदमी पार्टी वाले को, केजरीवाल जी को काम करने नहीं दे रही है। उन्हें क्या कर रहा है, हर जगह टांग अड़ा रही है हर जगह काम। अगर वो हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं वहाँ टांग अड़ा दे रहे हैं। मोदी जी जैसा वो काम कर ही नहीं पा रहे। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है। कौन नहीं टक्कर में? कहते हैं कि मोदी जी के टक्कर में। कौन कह रहा है ये मोदी के टक्कर में नहीं है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जनता, जनता मैं हूँ, मैं जनता हूँ, मैं जनता नहीं हूँ। क्या कहेंगे? मोदी कभी नहीं आएगा। मैं मोदी जी देखो केजरीवाल जी को काम नहीं कर रहे हैं और पीछे से एलजी साहब लगा दिए हैं। इधर से एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, इधर मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। इधर से इधर आधा देश लेकर आ रहे हैं, इधर से अंदर देश लेकर आ रहे हैं, एक भी काम करने नहीं दे रहे हैं मोदी साहब। मोदी साहब घोटाला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। अरे भाई उसे साबित करो ना घोटाला कर रहे हैं जेल में। तो कानून देखो इसके दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? दिल्ली पुलिस किसके अंदर है? गृह मंत्री के एलजी साहब के पास। काम नहीं करने दे रहे हैं ये। इतना अच्छा हॉस्पिटल जाके देखो केजरीवाल का, स्कूल जाके देखो केजरीवाल जी का, इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बसें फ्री है। बताओ आज सत्ता अंध भागते हैं आप, एम्स में जाके देखिए क्या हालत है हॉस्पिटल। एम्स, एम्स किसके अंदर आता है? केंद्र सरकार की है एम्स। हाँ आपको पता नहीं है क्या एम्स केंद्र सरकार का है? आपने तो अभी बोला हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल देख के आओ, दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल देख के आओ। ये दिल्ली में तीन सरकार है, आपको पता है कि नहीं पता है? मैं बता देता हूँ, दिल्ली में केंद्र सरकार, एमसीडी और दिल्ली सरकार, ठीक है? तीन सरकारें चलती हैं जिसमें केंद्र सरकार आपका मोदी जी हो गया, एमसीडी में भी हमारी सरकार बनी है, ठीक? अभी हमारी अभी बहुत पंगे हुए थे हमारे। देखो एमसीडी के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा काम हो रहा है। आज साथ देखो नाली गटर एकदम, जो 15 साल में गंद मचा रखा था बीजेपी, गंद मचा रखा था बीजेपी, आज देखो गलियां एकदम चमक रही हैं, रोडें चमक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा है। शर्मा जी हैं। मैं पंडित जी। आपको राम मंदिर नहीं चाहिए? हमें राम मंदिर चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। हमें धर्म चाहिए जी। कोरोना काल में राम मंदिर क्यों बंद कर दिए थे? कोरोना काल में क्यों बंद किए थे? हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए हमें? हिंदू राष्ट्र क्या? हम हिंदू नहीं है? हम हिंदू राष्ट्र में नहीं है? हम हिंदू नहीं है? आप कैसी बात कर रही हैं? तो राम मंदिर बीजेपी वाले कोर्ट बैंगिंग है, तो आपको बात समझो। इनको इलेक्शन टाइम में क्या करना है? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये पाकिस्तान, अगर ये करेंगे नहीं ये जीतेंगे नहीं, ये करके काम देता है। अरे भाई वो बीजेपी वाली बात टोन बोल रही हो आप, संबित पात्रा वाली टोन बोल रही हो आप, ठीक है? काम की बात करो ना, महंगाई भी एक बार बात पूछी मेरे से, महंगाई क्यों नहीं बोल रहा है? सिलेंडर रेट पूछी आपने? आप सिलेंडर रेट पूछा मेरे से, ठीक है? पेट्रोल रेट पूछा मेरे से, आप बता दो मुझे। राम मंदिर की बात कर दी आपने, ठीक है? हिंदू मुस्लिम की बात कर दी आपने, महंगाई की बात नहीं कर रही आप। महंगाई की बात करो। मुसलमानों से खसरा नहीं है मिश्रा जी? क्या मुसलमानों से बता सकते हैं? हम एक साथ खड़े हुए हैं, ये हिंदू है मैं मुस्लिम हूँ। हिंदू मुस्लिम क्या? सब भाई 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 है। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही प्रॉब्लम मोदी जी को है कि यही मोदी जी, मोदी जी के वोटिंग का टाइम आएगा तो हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखेगा। सारे की वोट चाहिए उसको, सारे की वोटिंग चाहिए उसको। भ्रष्टाचार मुक्त है मोदी जी, चादर भी चढ़ाने जाते दरगाह में। देखो उस टाइम वो इलेक्शन के टाइम में जाते हैं कि हम कैसे मुस्लिम भाई मेरे पक्ष में तो आ नहीं रहे हैं, हिंदू भाई भी खसक रहे हैं मेरे से, कि हिंदुओं भाई भी समझ चुके हैं कि हमारा वोट का इस्तेमाल गलत करते हैं मोदी जी। इन्हें हिंदू साथ न सिख साथ न ईसाई साथ न मुस्लिम साथ, इसी जीत कैसे रहे? चोरी से जीत होती है। आप मेरी बात सुनो, चोरी से जीत होती है। मैं यहाँ देखो मैं मानता हूँ जीत गए, देव जिता दिए, जनता ने मौका दे दिया, ठीक है? इसलिए जीत गए। ये आप कह रही है ना, ये जनता नहीं कह रही है, जनता ही कह रही है। नहीं मैं जनता हूँ, फिर से हाँ जनता है। ये आप कह रही है 2014 में जितनी लहर थी आज उतना ही जनता में आक्रोश है, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। हमें अच्छी उम्र हो गई मोदी जी की। क्या नाम लेटेंगे? व्हील चेयर मोहम्मद समीर। आपको डर नहीं लग रहा? डर क्यों लगेगा? मुसलमान कभी किसी से डरता है? मुसलमान कभी किसी से डरता ही नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात है महंगाई भी बात होना चाहिए। महंगाई से देखो सबसे बड़ी चीज है क्या? 2014 में मोदी जी ने क्या बोला था? क्या बोल? बहुत बड़ी महंगाई एक बार, अब की बार मोदी सरकार बोले, देख मैंने
अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आगे क्या अच्छे दिन सबके आए नहीं अच्छे दिन, अच्छे दिन किसके आए हैं 370 भाई, अच्छे दिन आगे 400 का सिलेंडर ही 1200 में मिल रहा है, 400 का काला धन आ गया, काला धन आ गया, काला धन आ गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या काला धन आ गया, काला धन आ गया, काला धन आ गया, कुल मिला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी तो इस देश के नागरिक हो, आप बताओ काला धन आ गया, 400 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 400 का वही मुझे तो 2014 वाला दे दो भैया, वही पुराना वाला हमारा अच्छा दिन था, वही 2014 पुराना वाला दे दो मुझे, जो मैं 400 में सिलेंडर मिल रहा था, ठीक है मुझे 400 में सिलेंडर पुराना वाला उठा दो मुझे, सुनो मुझे 55 वाला जो पेट्रोल मिल रहा था वही दिन मुझे, तो 14 वाला कर दो मुझे, ठीक है मुझे 110 G20 में भारत ने अध्यक्षता की है, आप फिर देखो कहीं लेकर जा रही हो, बगाई बात करो, बगाई पे बात करो, रोजगार पे बात करो, रोजगार पे बात करो, ठीक है रोजगार में बात ही नहीं कर रही हूँ, दो आप मोदी जी खुल कर रहे थे, केजरीवाल रोजगार दे रहे हैं, केजरीवाल आप देखो बसों मार्शल लगा हुआ है, सुरक्षा महिलाओं के लिए धनाधन लगा हुआ है, सीसी कैमरा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पब्लिक सपोर्ट करे, अब जो अनभक्त है ना खाने को कुछ हो नहीं, मोदी मोदी मोदी, पेंट पहनने कपड़े नहीं, घर में राशन नहीं है, मोदी मोदी मोदी, कौन कौन करता है, कौन करता है, पिछवाड़ा फटा हुआ है, पिछवाड़ा के अंदर टाका लगा हुआ है, मोदी मोदी मोदी, काला नहीं है घर के अंदर, राशन पानी नहीं है, मोदी मोदी मोदी, रोटी घर में साफ की जुगाड़, 56 इंच का सिलेंडर हमारे प्रधानमंत्री का, तब 56 सीट आ गया कर्नाटक में, 56 सीट आया कर्नाटक में और ऊपर आया नहीं, ठीक है कर्नाटक गई उनकी, हिमाचल गया, MCD भी गया उससे मोदी जी से, अब बेचारे मत्था पर क्या करूं, अब ये तो जा रहा है तो 24 भी चला जाएगा मेरे से, एक बेमान आदमी है उसको हटाएं, केजरीवाल जी को एक मौका दें, केजरीवाल एक बार मौका, एक बार मौका देना चाहिए, देखो ऐसा नहीं है तो मौका देना चाहिए, लेकिन 200 यूनिट फ्री आप लोगों को मिल रहा है, 200 यूनिट सबको फ्री मिल रहा है, अपना घर है यहाँ, हाँ मेरे अन्नानगर जोगी में रहता हूँ, जिसका घर है उसको मिल रहा है, जिसका घर नहीं है उसका शिक्षा भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, सब चीज मिल रही है, हम दिल्ली वाले हैं, हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, यूपी में भी केजरीवाल आना चाहिए, जो बाबा है ना ढोंगी बाबा, इनको हटा के केजरीवाल, योगी बाबा ढोंगी बाबा, अब यूपी वाले हैं भैया, यूपी वाले बताएं, हम दिल्ली वाले, हम केजरीवाल जी के पास है, हमारी यूपी बनाने का, मेरी बात सुनो, मैं आया हूँ डीजे का काम करने, लोनी से आया हूँ, विलोम करता हूँ, मैं यूपी में बिल्कुल ना आने का, कहीं से कहीं नहीं आएगा, अरे एक बताओ, जो मेरठ है हमारे ऐसे से गांव है ना लोनी के अंदर, जो 12, 11, 10, 9 बजे निकलती थी ना माँ बहन बेटी, 1 बजे के अंदर निकलती है, केजरीवाल और कुछ होकर दिखा दे, केजरीवालों ने कैमरे लगाए, 1 बजे निकलती है ना, 1 बजे निकलती है तो हाथरस में रात को 1 बजे जलाई भी जाती है, कौन सा हाथरस में, हाथरस का रेप केस नहीं पता, अब यहाँ का हाथरस का रेप केस नहीं पता, मीडिया वालों को पता होगा, मीडिया वालों को पता है, हाथरस में रात को 1 बजे बेटी जलाई गई थी जिंदा, भाई मेरा नाम भी सचिन है, मेरा नाम भी सचिन है, मंडी अपने हिंदू धर्म में देखा है रात को 8 बजे बॉडी जलाना, वो भी मिट्टी तेल से, कभी देखा है योगी सरकार में ऐसा हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों बता दो, योगी सरकार में मिट्टी तेल से, अरे तू पता नहीं, तुमने देखा है, तुमने देखा है, कुकर में अभी, अबे भाई मुझे बता दे कौन सा काटा है, मेरी बात सुनो, अभी देखो कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के अंदर मंत्री बनाओ के, बता दो यहाँ पे, सुनो मेरी बात सुनो, लखनऊ के अंदर कोर्ट के अंदर जज बच गया, पिस्टल चल गया, एक अभी अभी 2 दिन की बात है, ये भाई साहब कहीं तो दिखाओ पहले, लखनऊ के साइड के अंदर गोलियां मारी है कोर्ट के अंदर, मार दिया, सुनिए जनहित आवाज देखा करिए, ठीक है जनहित आवाज देखा करिए, वहाँ पर दिखाया गया है, वहाँ पर दिखाया गया है, आप बता दो कितने मर्डर हुए, लड़की को कितने टुकड़े कर दिए, आप बता दो यूपी में कर दियो, भाई कोर्ट मेरी बात अंदर गोली मारी, बात सुनो बता दो कितने बहन के, बता दो आज यहाँ पे कितने मर्डर, हाथरस का हुआ, देखो दीदी मैं बताता हूँ, एक हाथ चलो चल गया है, वो भी उसमें भी ना साले को उसकी यूपी में है ना साले गलत काम कर रहा है, साले को घर से उठा लेते हैं, उसके टाइम पुलिस वाले साले का नाम भूषण को उठाया नहीं क्या भाई, यार नहीं किया
पहलवान जो बैठे हुए कहाँ उठाया है वो बीजेपी गई तो है ब्रिजभूषण को बता ब्रिजभूषण को गए क्यों अभी बच्चा है अभी गोद में खेलता है अभी डीजे बजा डीजे अभी बच्चे की बात कड़ी भी लगती है केजरीवाल लोनी में गया मेरे दोस्त का शादी था मेरी बस में इतने मोटे मोटे गड्ढे हैं एक गाड़ी इधर से गई तो सुनो 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 आपको ब्रिजभूषण के बारे में नहीं मालूम ब्रिजभूषण के बारे में देखो जी हम ये ऐसे नागरिक है यूपी के रहने वाले ब्रिजभूषण नहीं पता सरकार के बारे में कौन से अच्छे हमें देखो वो अच्छी लगी तो हम उसका समर्थन करते हैं देखो मैं कह रहा हूँ मोदी जी के ऐसे समर्थन है उन्हें यही नहीं पता दिल्ली में क्या हो रहा है तो सब अच्छे लगते हैं काम वो केजरीवाल जी काम अच्छा ही तो कर रहा है आके तो खोलो अपनी भाई हमें दिखाई नहीं ना एक ये कहाँ दिखाएगा इसका बिल आता है 2,000 रुपए यूपी से आता है ना 2,000 बिल आता है यूपी ऐसी चलाता है अब तो खुद अरे ये वो लोग नौबत डाल के सोते हैं बहुत दुख से कह रहा है परेशान हो गया बेचारा क्या करे हम सोते मेरा भाई केजरीवाल जी को एक मौका दो केजरीवाल जी को एक मौका दो रुको तो हम सोते ठंडा सारी सरकार चोर है एक बार जो केजरीवाल जी को भी चोर किया है ना ये बंगला बनाया तो एक बार इन सरकार को भी मौका दे यहाँ पे बिजली फ्री है क्या उत्तर प्रदेश में बिजली फ्री है देखो जी बिजली फ्री कोई चीज तो है नहीं सारी चीज फ्री हो जा अब जब फ्री हो जाएगी सारी चीज तो फिर पब्लिक जो काम कर रही है बिजली रुक जाओ ब्रदर रुक जाओ चलो यहाँ बिजली पूरा फ्री नहीं है 200 यूनिट ही फ्री है दिल्ली 200 यूनिट फ्री है सुनो सुनो कितने घंटे बिजली आता है कितने घंटे बिजली आता है 24 घंटे में तो 22 घंटे आता है जो 22 घंटे आता है पूरा 22 घंटे हमें 24 घंटे मिलता है हमें 24 अच्छा गाँव का ये हालत है अरे वो डिजिटल मिला रहे हैं मोदी जी सुनो यूपी से ना यूपी इधर आ जाओ इधर भैया सुनो इधर कैमरा कर लेना पूरा फ्रंट भाई यूपी से आता है कह रहे मेरे कितने घंटे बिजली आता है भाई देखो मैं 24 घंटे से 22 घंटे बिल्कुल आती है कोई दिक्कत भी बिल कितना आता है बिल अपने ऊपर डिपेंड है ना कितना भी है जितना वो चलाएंगे उतना तो आएगा एसी चला रहे थे 15 रुपए हम फ्री में फ्री वाला नहीं भाई किसी का अपने दम पे कितना भी आएगा तो उतना देंगे देना पड़ेगा एक घर में अगर 5 लोग है ना तो उसमें 4 काम नहीं कर रहा बाप काम कर रहा है खाली तो केजरीवाल ने जब फ्री कर रखा है आपके उत्तर प्रदेश में 200 किलोमीटर के एक हाईवे अगर 20,000 करोड़ में बनता है तो केजरीवाल जी हमारे उस हाईवे को 1500 या 1200 करोड़ बनाने का मादा रखते हैं तो वो जो पैसे बचते हैं वो जो अभी क्या है भाई को नॉलेज नहीं है अभी डीजे बजा भैया अभी तेरी उम्र डीजे बजाने के ठीक है मैं भी काम करना है देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे केजरीवाल के समर्थन में लोग यहाँ पे मौजूद है लेकिन ये जो है ये उत्तर प्रदेश से आते हैं डीजे बजाते हैं इन्होंने कहा कि केजरीवाल उत्तर प्रदेश में तो नहीं आएंगे इन दोनों में लगातार जो है बात विवाद हुआ आपने देखा किस प्रकार से लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं कि केजरीवाल उत्तर प्रदेश जाएं या केजरीवाल दिल्ली में तो अच्छा काम करें आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए धन्यवाद